हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। आज की जो वीडियो है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है कि एक सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, इज ए क्लाइंबिंग ऑन ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्या कहता है, एक सर्कस का कोई आर्टिस्ट है और वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। जैसे कि ये जो रोप है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी हो गई, ये रोप मेरे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक की 20 मीटर की, ठीक है, ये हो गई 20 मीटर की रोप। उसके बाद उसने क्या कह रहा है, टाइट फ्रॉम टू द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। क्या कहता है कि ये एक पोल से है ना, बिल्कुल टाइटली है ना, ऐसे ऐसे क्या कर रही है, पोल से बिल्कुल टाइटली क्या है, ये बंधी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने पोल मान लिया, इसके साथ ये बिल्कुल टाइटली क्या है, बंधी हुई है। उसके बाद क्या कहता है, ऑन द ग्राउंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको क्या करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल द मेड द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो क्या कहता है, जो एंगल है, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल के साथ ये एंगल बना रही है रोप, तो कौन सा एंगल बनेगी ग्राउंड लेवल के साथ, ग्राउंड लेवल के साथ ये वाला एंगल बनेगा। ये कितने डिग्री बोल रखा है, 30 डिग्री बोल रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए हो गया मेरे पास, ये बी हो गया और ये मेरे पास सी हो गया, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आप सोल्व करोगे तो जो ट्रायंगल होगी ना, वो अपनी ऑलवेज कैसी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है, ए बी क्या हो गई, ए बी आपके पास हो गई हाइट ऑफ पोल, ये जो पोल है इसकी हाइट का नाम है ए बी, ठीक है। और बी सी क्या हो गई, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप जो कि कितनी है, 20 है, ठीक है, जो कि आपके पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो अपना एंगल है ए सी बी, वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ये सब कुछ अपने को गिवन है, ठीक है। अब देखो कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या कहना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपकी ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो ट्रायंगल ए बी सी है जिसके अंदर जो साइड आपको निकालनी है, कौन सी साइड आपको निकालनी है, ए बी, उसको आपने ऊपर रख लिया और जो आपको दे रखा है बी सी उसको आपने नीचे रखा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए बी, ए बी देखो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, ये हो गया परपेंडिकुलर अपोन बी सी, बी सी किसका काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का। और आपको एक बात पता है कि परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, भाई परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज तो अपने पास साइन थीटा होता है, इतना क्लियर है, ठीक है। ए बी आपके पास कितना गिवन है, मालूम नहीं, ये आपके पास 20 है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट में आगे क्या करोगे, ए बी आपको मालूम नहीं, ये 20 और एंगल कितना है साइन, और यह है कितना, 30 डिग्री, और साइन 30 आपको पता है कितना होता है, साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है। इसका मतलब ए बी अपॉन 20, ए बी अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/2, और सोल्व करूंगा तो इससे कितने पर, 10 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है, मीटर। और यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो फर्स्ट सेकेंड है वो क्या कहता है, कहता है एक ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। कहता है कि एक ट्री है ना, जैसे कि ये मेरे पास एक पेड़ है, ये यहाँ से यहाँ तक का एक पेड़ हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ हो गया, और क्या कहता है कि ये तूफान आने से ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ से टूट गया, ठीक है। तो कहता है जो ब्रेक डाउन हो जाता है, द ब्रोकन पार्ट बेंड दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड। कहता है कि देखो ये जो इसका इसका टॉप था, ये देखो ये इस ग्राउंड को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, इस पार्ट को ये टच करने लग जाता है। और कहता है मेकिंग द एंगल विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, भाई ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बना रहा है ना, कितने डिग्री का बना रहा है, ये 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टचिंग टू द ग्राउंड। कहता है फुट, फुट का मतलब हो गया ये जो ट्री का ये बॉटम वाला पार्ट है, और ये जो इसका टच कर रहा है पार्ट, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है हाइट ऑफ ट्री। अब एक बात बताओ, देखो इन दोनों फिगर से अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, ये हाइट इसकी कंप्लीट हाइट है, इस कंप्लीट हाइट का नाम मैंने रख लिया ए से बी, ठीक है, ये कंप्लीट हाइट थी पेड़ की, कितनी ए से लेके बी, ये ऐसे भी मेरे पास ट्री की हाइट थी। अब जैसे ही तूफान आया तो क्या हुआ, ये इस वाले पार्ट से टूटा होगा, ठीक है, इस वाले पार्ट से, देखो ये इस वाले पार्ट से टूटा, इस वाले पार्ट का नाम मैंने क्या रखा, सी पार्ट रखा, और क्या हुआ कि ये ऐसे बैंड हो गया, ठीक है, ये ऐसे बैंड हो गया और ये ऐसे इस जमीन को छूने लग गया, तो ये बी वाला पॉइंट यहाँ पे आके बी डैश बोल दो, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट का नाम क्या है, बी डैश, ये था ए, ठीक है, और ये जो यहाँ से टूटा इसका नाम सी है। उसके बाद इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, आपसे हाइट पूछी है इस ट्री की, मतलब ए से बी की आपके हाइट पूछी है, लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, जितना ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो पहले तो अपन क्या कहेंगे, ए से बी मेरे पास क्या हो गई,
हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री भाई, ये जो पेड़ है ना इसकी हाइट हो गई कितनी एबी। उसके बाद देखो बी सी इज इक्वल टू बी डैश बी, होगा नहीं होगा, क्या है ये लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ वाला पार्ट है उसकी लेंथ का नाम ये होगा। उसके बाद इसने एक एंगल दिया आपसे, एंगल कौन सा बोला है, एंगल ए बी डैश सी, ये बोल रखा है 30 डिग्री, ये सारी चीज़ आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। अब हाइट ऑफ ट्री आप कैसे निकालोगे, तो देखो हाइट ऑफ ट्री अपन कैसे सोल्व आउट करते हैं। अब देखो हाइट ऑफ ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बात बताओ, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, इस फिगर में आपको दिख रहा है, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी डैश सी। मैंने आपको एक ही चीज़ नहीं बताई थी, जो आपको फाइंड करना है उसको आप ऊपर रखो, तो इसका मतलब ए सी तो मैंने रख लिया कहाँ पे, ऊपर अपोन में, अपोन में मैं क्या रख लूँगा, अपोन में मैं रख लूँगा, अपोन में मैंने रखा ए बी डैश, ठीक है। अब देखो ए सी किसका काम कर रही है, वही परपेंडिकुलर का, और ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपोन बेस होता है 10, और एंगल कितने डिग्री का दे रखा है इसने 30 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक बात बताओ, ए सी आपके पास गिवन है, ए सी कितना है आपके पास, ए सी की जो वैल्यू है, ए सी की जो वैल्यू आपके पास किसकी, ए सी की, ए सी की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है मालूम नहीं है अपने को, तो ए सी का अपन ने ए सी रखा अपॉन मेड ए बी डैश, ये कितना है मेरे पास 8, और 10 30 कितना होता है 1/√3। अगर मैं यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालूँ तो 8/√3 जो कि मेरे पास फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब मेरे को एक बात पता है कि जो मेरे पास चाहिए क्या, मेरे को ए बी चाहिए, और ये जो बी से सी है ये बराबर बी डैश सी है, तो इस बार मैंने इस वाले ट्रेंगल को फिर से ले लिया, अगेन अगेन मैंने क्या किया, क्या कहूँगा, अगेन इन ट्रेंगल, ट्रेंगल का नाम क्या था, ट्रेंगल का नाम था ए बी डैश सी। इस बार अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है बी डैश सी अपोन, गिवन क्या है मेरे को ए बी डैश। अब एक बात बताऊँ, 90 के जस्ट सामने है, तो ये किसका काम करेगी, हाइपोटनेस का, और ये किसका काम करेगी बेस का, और हाइपोटनेस अपोन बेस क्या होता है, हाइपोटनेस अपोन बेस होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो कौन सा आ गया सीकेंट थीटा, और थीटा कितना दे रखा है आपके पास 30 डिग्री। तो एक बात, ये जो बी डैश सी एज इट इज ये मेरे पास 8 है, और ये हो गया सीकेंट 30, और मेरे को एक बात पता है, जो सीकेंट 30 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सीकेंट 30 की वैल्यू होती है भाई बी डैश सी अपॉन ए, सीकेंट 30 की वैल्यू हो गई कितना 2/√3, ठीक है। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी डैश सी की वैल्यू आ गई 16/√3, ये मेरे पास सेकेंड आ गया। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं फिर से अपन फिगर को, अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था ए बी, तो मैं क्या लिखूंगा कि ए बी जो हाइट है मेरे पास नाओ, क्या आ गया मेरे पास कि नाओ जो ए से है बी वो किस किस से मिलके बना था, ए सी प्लस बी सी, यही है ना। अब एक बात बताओ, जो बी सी है वही आपने कहा था बी डैश बी है, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए सी प्लस बी डैश बी, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू ए सी मेरे पास कितना आया था, ए सी मेरे पास आया था 8/√3, और ये आया 16/√3। मैं अगर एलसीएम लूंगा तो √3 एलसीएम, और ये मेरे पास हो गए 24। अगर नीचे अपने पास रूट है तो अपन क्या करवाते हैं, रेशलाइजेशन, रेशलाइजेशन करवाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 24√3/3 सोल्व किया तो कितने पर, 8 पे, तो आंसर हो गया 8√3, ठीक है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो ये ट्री है इसकी हाइट क्या होगी, तो ये ट्री कितनी हाइट का है, ये ट्री आपका 8.8√3 मीटर। क्या कहता है, कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लेस इंस्टॉल टू स्लाइड टू द चिल्ड्रन प्ले इन ए पार्क, कहता है एक बच्चों के लिए खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर पार्क में एक स्लाइड लगाता है, ठीक है, फ्रॉम द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, कहता है वो बच्चे जिनकी साल 5 साल से कम है, उम्र 5 साल से कम है, सी टू प्रिफेक्ट ए साइड हुज द टॉप ऑफ द हाइट इज 1.5 मीटर, कहता है जैसे कि ये मान लिया मैंने कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है, तो जो ये इसकी हाइट है ना ए से बी ये कितना है, ये आपके पास 1.5 मीटर है, ठीक है, और ये आपके पास देखो ऐसे स्लाइड दिख रही है, और कहता है कि ये जो स्लाइड है ना इंक्लाइंड द एंगल कितनी डिग्री का बना रही है 30 डिग्री, कहाँ तक ले लेता हूँ ये मैं इस सी पॉइंट तक ले लेता हूँ। तो फर्स्ट केस में आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट केस में आपसे पूछा है कि भाई आप बताओ इस स्लाइड की जो लेंथ है वो क्या होगी,
तो सिंपल सी बात है, ए बी तो मेरे पास क्या आ गया, ए बी मेरे पास आ गया केस फर्स्ट में, ये जो मेरा केस फर्स्ट है इसकी बात कर रहा हूँ, ए बी मेरे पास क्या हो गई, हाइट ऑफ स्लाइड, जो मेरे पास स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है, और बी सी क्या हो गई, लेंथ ऑफ स्लाइड। अब देखो मैं लगाऊंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने आपको क्या कहा था, जो आपको निकालना है, तो आपके पास गिवन साइड है ए बी और आपको फाइंड आउट क्या करना है, बी सी। अब देखो ये जो साइड है ए बी, ये किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, और जो ये सामने साइड है ये किसका काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो ए बी की वैल्यू है 1.5, बी सी आप निकाल रहे हो, और साइन कितना डिग्री है आपके पास, साइन आपके पास है 30, यहाँ तक क्लियर है। और अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखो आगे सोल्व आउट करेंगे, आगे सोल्व आउट करेंगे तो 1.5 तो एज इट इज, ठीक है, बी सी मालूम नहीं, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस कर मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा मेरे पास, 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू बी सी, और सोल्व करूंगा तो ये 3 आ गई, किसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उसके लिए जो ये स्लाइड है ये कितने मीटर की है, ये 3 मीटर की है। अब बात कर लेते हैं 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। अब देखो 5 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, बड़े 5 साल से बड़े बच्चों के लिए मैंने ये मान लिया पी से क्यों क्या हो गई उसकी हाइट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, किसकी, इसको मैंने आर मान लिया। अब ये जो एंगल है इसने खुद बोला ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री है, और ये जो हाइट है ये 3 मीटर है। तो आप इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके 5 साल से बड़े बच्चों के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड निकाल सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता है कि कोई एक टावर है, जैसे कि इस फिगर में मैंने ले रखा है, ये जो ए से बी है ये मेरे पास एक क्या है, टावर है। उसके बाद कहता है तो ए बी क्या हो गई आपके पास, हाइट हो गई किसकी, टावर की, हाइट ऑफ टावर, भाई टावर की जो अपनी हाइट है उसका नाम क्या है, ए बी, ठीक है, मालूम नहीं है ये मैंने मान ली, एच मीटर है ये मेरे पास, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रखा है आपको, कहता है ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जैसे कि ये सी पे कोई, सी ये जो पॉइंट हो गया ग्राउंड पे, यहाँ से जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो आपको हाइट बतानी है किसकी, टावर की। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे क्या करोगे, भाई मेरे को ये पता है कि जो मेरा एंगल है कौन सा, ए सी बी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो मैं इस ट्रायंगल में चलूंगा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी। और आपको एक चीज़ बताई थी कि एक तो अपने को रेशियो लेना है जो वैल्यू अपने को निकालनी है, दूसरा अपने को रेशियो लेना है जो चीज़ अपने को दी हुई है, बी सी। अब देखो ए बी है ये किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, और बी सी किसका काम कर रही है, बेस का, और परपेंडिकुलर अपोन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन बेस होता है आपके पास क्या, टेन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास टेन थीटा। अब ए बी मेरे को एच मालूम है, ये मेरे को 30 पता है, और टेन 30 कितना, यहाँ पे आ गया टेन 30 डिग्री, ठीक है, थीटा की जगह। तो एच अपोन 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यहाँ आएगा, तो एच की वैल्यू आ गई 30/√3। और सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व आउट करोगे, रेशनलाइजेशन करके, रेशनलाइजेशन करवा देते हैं, रूट थ्री से मल्टीप्लाई, रूट थ्री से ही डिवाइड, सोल्व करेंगे तो 30√3/3 सोल्व किया तो कितने पे कट गया, 10 पे। तो अपने आंसर क्या आ गए, जो एच की वैल्यू आ गई 10√3, जो कि इस क्वेश्चन में अपने से पूछा था, ठीक है। तो ये हाइट कितनी है ये टावर की, ये है 10√3 मीटर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है काइट फ्लाइट एट द हाइट ऑफ 60 मीटर है वो। अब देखो काइट जब भी अपन ने ऑब्जर्व की है तो काइट की जो हाइट है वो कैसे मेजर करेंगे, काइट की जो हाइट है अपन ऐसे मेजर करेंगे, तो ए से बी, जैसे कि मान लो यहाँ पे काइट उड़ रही है, तो ये कितने हाइट पे उड़ रही है, ये आपके हाइट पे उड़ रही है 60 मीटर पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, द स्ट्रिंग अटैच एट द काइट टेम्परेली पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो ये मैंने क्या मान लिया, कोई टेम्परेली पॉइंट है ग्राउंड पे, और इससे इसका जो स्ट्रिंग है मतलब इसकी जो डोरी है वो क्या है, अटैच है, ठीक है। उसके बाद कहता है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टेटिंग ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये जो बना रही है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन से पूछा है कि आपको क्या बतानी है, ये जो स्ट्रिंग है ना इसकी आपको क्या बतानी है,
इसकी आपको लेंथ बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले तो क्या है मेरे पास, ए बी है, क्या है वो हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट कितनी है ये 60 मीटर, ठीक है। और जो मेरे पास बी से सी है वो क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, किसकी लेंथ है ये स्ट्रिंग की, ठीक है, डोरी की लंबाई की। अब देखो मेरे को एंगल है, एंगल ए सी बी कितना है 60 डिग्री। अब मैंने आपको एक ही चीज़ बताया था इस चैप्टर में, जब भी आप सोल्व करो तो आपको क्या क्या करना है, एक तो वो साइड लेके चलनी है जो अपने को गिवन है, और एक अपने को क्या लेना है जो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो मेरे को गिवन क्या है, गिवन तो मेरे को था ए बी, ठीक है, और निकालना क्या है मेरे को, फाइंड आउट करना है बी सी। ए बी देखो मेरे पास परपेंडिकुलर का काम कर रही है, ये कर रही है हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। एंगल है कितना आपके पास, थीटा आपके पास है 60 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 60। अब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो ए बी की वैल्यू मेरे पास है 60, ठीक है। बी सी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, और tan 60 होता है √3/2। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आएगा, 120√3 BC। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसके बाद अपन करेंगे, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो अपने पास क्या आया था, अपने अपने पास आया था 120 = √3 BC। अब एक बात बताओ, जो ये रूट थ्री है ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ये डिवाइड में जाएगा तो BC। रेशलाइजेशन करवा देते हैं, रेशलाइजेशन करवाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, सोल्व आउट करोगे तो 120√3/3, सोल्व किया तो कितने पर, 40 पे, तो आंसर कितना आ गया, 40√3। और यही आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड आउट करवा रहा था कि जो ये स्ट्रिंग है, ये जो डोरी है उसकी लंबाई बताओ, तो कितनी आ गई अपने पास, ये आ गई 40√3। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए 1.2 मीटर बॉय। अब देखो मैंने ये बना लिया, एक ए से बी कितना है 1.5 मीटर का एक बॉय है, ठीक है, स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या कर रहा है कि ये मैंने मान लिया सी से लेके डी है, ठीक है, कितने मीटर की बिल्डिंग है ये, 30 मीटर की हाइट की बिल्डिंग से, 30 मीटर हाइट बिल्डिंग से ये क्या है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, तो वो डिस्टेंस का नाम क्या हो गया, उस डिस्टेंस का नाम हो गया ए सी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द आइज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग 30 to 60 डिग्री। अब देखो सबसे पहले तो ये जो ए सी है, और अगर मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करूँ हॉरिजॉन्टल, और इसका नाम मान लूँ बी ई, तो ये बराबर होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और जब अब ये कहता है क्वेश्चन में कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है, इंक्रीज हो जाता है कब, जब वो टूवर्ड वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, अगर ये बंदा बिल्डिंग की तरफ चलेगा, तो मान के चलो ये बिल्डिंग की तरफ चल रहा है और यहाँ तक आ गया, ठीक है, इसका नाम मैंने रख लिया पी और क्यू, ये यहाँ तक आ गया, और जब ये बिल्डिंग को देख रहे हैं ना, तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ इस लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है, सबसे पहले तो ये जो ए बी है, ये लड़के की हाइट है, ये और ये इक्वल होगी नहीं होगी, और ये भी कितनी होगी, इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये पता, ये टोटल कितना है, ये टोटल है मेरे पास यहाँ से डी से लेके सी तक, तो डी से लेके सी के मैं इसको लिख सकता हूँ डी ई प्लस ई सी, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मेरे को ये पता, ये टोटल तो है 30, ठीक है, डी ई अपने को मालूम नहीं, लेकिन ये तो पता है, ये जब लड़के की हाइट है तो 1.5 है, और ये प्लस का 1.5 इधर आके माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 28.5, ठीक है। तो ये जो ऊपर ऊपर वाली डिस्टेंस है ये कितनी अपने पास, 28.5, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो जो आपने एज्यूम किया है उनको डिफाइन कर दो। तो आपने क्या क्या एज्यूम किया था, आपने लिए थी ए से लेके बी, तो आपने माना है हाइट, हाइट ऑफ बॉय, जो ये लड़का है हाइट ऑफ बॉय, इसकी क्या है हाइट है कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। और सी से डी अपन ने क्या मानी थी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो ये बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, ये 30 मीटर, ठीक है, ये दो ही चीज़ें माननी है। उसके बाद देखो जो ये ए बी है, यही बराबर बी के होगा और यही बराबर सी ई होगा, तो ए बी किस किस के बराबर है, पी के ओ के बराबर है, और यही किसके बराबर है, यही बराबर है आपके किसके, ये आपके बराबर है सी से ई तक,
ठीक है। और देखो दो आपने एंगल निकालने हैं, कौन कौन से एंगल है। एंगल हो गया एक तो एंगल ई क्यू डी, एंगल ई क्यू डी ये तो आपका 60 डिग्री आया है, और दूसरा एंगल ई बी डी, ई बी ये आपका 30 डिग्री आया है। और जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये कितनी डिस्टेंस कवर करी है बी से लेके क्यू, तो बी क्यू क्या आ गई डिस्टेंस कवर बाय बॉय, जो ये लड़का है ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब एक बात बताओ, देखो अपने को ये चीज़ें निकालनी है, कैसे लेंगे। अगर मैं ये बड़ी वाली कंप्लीट ट्रायंगल लेता हूँ, ये जो मेरे पास कंप्लीट ट्रायंगल, अगर मैं इसको ले लेता हूँ इस कंप्लीट ट्रायंगल को, तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं ये पूरी साइड निकाल सकता हूँ बी से ई, तो मैं चलता हूँ किसके अंदर, मैं चलता हूँ इन ट्रायंगल, जो मेरी कंप्लीट ट्रायंगल है उसका क्या नाम है बी ई डी, ट्रायंगल बी ई डी, ठीक है। अब देखो आपको गिवन क्या है, आपको पास गिवन है डी ई, और अपन निकाल के रहे हैं ई से बी, तो अपन लिख सकते हैं डी ई अपॉन ई से बी। अब देखो डी ई परपेंडिकुलर का काम कर रही है, ये बेस का काम कर रही है, क्या मिल गया टैन थीटा। और क्वेश्चन में देखो थीटा कितना है, ये 30 डिग्री है, इसका मतलब डी ई कितना था अपने पास 28.5, ई से बी इज इक्वल टू ये कितना है टैन 30, टैन 30, और टैन 30 कितना होगा, टैन 30 आपके पास होगा 1/√3। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 28.5√3 इज इक्वल टू ई से बी, फर्स्ट आ गई मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या निकाल लिया, मैंने ये निकाल लिया ई से लेके बी तक। अब मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, छोटे वाला ट्रायंगल, तो मैं चला जाता हूँ इन ट्रायंगल डी ई क्यू, इन ट्रायंगल चला जाता हूँ इन ट्रायंगल डी ई क्यू, ठीक है। जो ट्रायंगल मेरी डी ई क्यू है, डी ई क्यू, डी ई अपोन में ई क्यू, क्या आया डी ई अपोन में ई क्यू, परपेंडिकुलर अपोन बेस 10, लेकिन इस बार कितना 60, ये आ गई 28.5। ई क्यू तुम लोग निकाल रहे हो, और टेन 60 हो गया √3। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 28.5√3 इंटू ई क्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपने को ई क्यू की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो ये आ गया 28.5 अपॉन में √3, ये आ गई सेकेंड, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड अपने पास दो इक्वेशन आ गई, अपने को कहाँ तक जाना था, अपने को बी क्यू निकालना था, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जो बी से ई है, जो बी से ई है मेरे पास, बी से लेके ई, उसको लिख सकता हूँ बी से क्यू और क्यू से ई, ठीक है, यही बात है। और अपने को तो चाहिए क्या, अपने को चाहिए, अपने को निकालनी है वैल्यू किसकी, अपने को वैल्यू निकालनी है बी क्यू की, तो मैंने क्या लिख लिया बी ई माइनस ओ क्यू। अब देखो बी ई, बी ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना आया था 28 पॉइंट, यह आया था 28.5√3 माइनस माइनस ई के, वो अभी अपन ने निकाला है वो कितना है 28.5 अपॉन √3, और ये वैल्यू आ गई बी के की। अब एक देखो यहाँ से अपने पास 28.5 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे तो √3 -1/√3 किसकी वैल्यू आ गई बी के की। अगर इन दोनों का एलसीएम लूँगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया √3, तो 28.5 ब्रैकेट √3 एलसीएम, √3 को √3 से करोगे 3 - 1, ये आ गई किसकी वैल्यू बी क्यू की। अब देखो 28.5 मल्टीप्लाई 2/√3 किसकी वैल्यू है बी क्यू की, इसको इससे सोल्व करोगे तो कितना हो गया 5 × 2 = 10, 16 और 1 = 70, 4 और 5 √3 किसकी वैल्यू हो गई बी क्यू की, और सोल्व किया तो 57/√3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू बी क्यू, सोल्व करोगे तो कितना आ गया 57√3/3 इज इक्वल टू बी क्यू, और सोल्व किया इससे तो 3 = 3 = 3,
तो ये आ गए 19√3 BQ, ठीक है। तो लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर करी थी, लड़के ने डिस्टेंस कवर की थी 19√3 मीटर की, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना था और फिगर बनने के बाद तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाते। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। देखो एक बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर। तो पहला काम तो आपका क्या है, बिल्डिंग को डिफाइन करना। तो ये मैंने मान लिया कि ए से बी मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट इसने दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। तो ए से बी तो आपके पास आ गई हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में ये कहता है कि जो इस बिल्डिंग की हाइट है ना, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लग रहा है, तो ये मैंने लगा दिया पॉइंट बी से सी तक, क्या हो गई हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, जो कि मालूम नहीं, ये मैंने एच मान ली। तो बी से सी क्या आ गई, हाइट ऑफ किसकी है, टावर की, टावर की हाइट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है एंगल ऑफ, क्वेश्चन में बोल रखा था फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अब देखो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ये डी अपन ने पॉइंट मान लिया ग्राउंड पे, ठीक है, ये इसके साथ ओरिजेंटल लाइन हो गई। अब कहता है ट्रांसमिशन टावर के टॉप, टॉप का मतलब तो हो गया जो ये पॉइंट ही है, इससे तो एंगल बता रहा है वो खुद 60 डिग्री, ठीक है। और कहता है इसका जो बॉटम है, बॉटम का मतलब जहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से एंगल बता रहा है 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये जो टावर है ना, इसकी आपको क्या बतानी है, आपको टावर की हाइट बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले तो एंगल डिफाइन कर लेते हैं। एंगल ए डी बी कितना है, 45 डिग्री। और जो मेरा एंगल है, क्या नाम है उसका, ए डी सी, यह है मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैं कैसे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल लेके चलूँगा इतना इतना, और इसके अंदर मेरे को ये 20 पता है, तो मैं ये वाली साइड इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं चला गया सबसे पहले ट्रायंगल कौन सी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो अपन चले गए सबसे पहले इन ट्रायंगल ए, दूसरा नाम क्या है, बी ओ डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब देखो अपने को ए बी गिवन है, ए बी, और अपन निकाल क्या रहे हैं, ए डी। भाई ए बी तो गिवन है और ए डी मैं निकाल रहा हूँ। अब ए बी काम कर रहा है फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का और ये बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, टेन थीटा। और देखो छोटे वाले केस में थीटा अपने पास 45 है, इसका मतलब ए बी है 20, ए डी मालूम नहीं, और ये हो गया tan 45, और tan 45 कितना होगा मेरे पास, 1। तो 20 अपॉन AD इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या मिला अपने को, मिला जो AD है कितना होगा वो 20। अब अपने पास ये AD और आ गया, ठीक है, ये AD और आ गया जो कि कितना है 20 मीटर है, ठीक है। अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाला, इस बार चलते हैं इन ट्रायंगल ACD, इस बार चल गए ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो इसके अंदर AC अपॉन CD, AC वही परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये बेस का, क्या मिल गया, टेन, कितना डिग्री, इस बार है अपने पास थीटा 60 डिग्री, इसका मतलब AC मालूम नहीं, CD, AC, अच्छा ट्रायंगल, देखो इस बार चलेंगे ट्रायंगल ए सी डी, तो देखो क्या निकाल रहे हैं, AC अपोन में, अपोन में क्या लूंगा, AD, AC अपोन में AD। तो अब की बार चलेंगे ट्रायंगल ACD के पास, इस ट्रायंगल के अंदर देखो क्या है, AC अपोन AD, परपेंडिकुलर अपोन बेस, टैन थीटा हो गया, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, AC ये रहा, AD अपन ने फाइंड आउट किया कितना है 20, और टैन कितना 60, 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भाई AC की वैल्यू आ गई 20√3, ये मेरे पास दूसरा आ गया
ठीक है। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई, एक ये और एक ये। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो मेरा ए से लेके सी है वो मिलके बनाए ए बी प्लस बी सी। तो अपन ने क्या, नाउ जो मेरा ए सी है वो किस किस से मिलके बना था, ए बी प्लस बी सी। ये आपने निकाला है 20√3। ए बी आपके पास था 20 और बी सी आपको क्या करना था, एच जो आपने फाइंड आउट करना था। प्लस का 20 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, और ये वैल्यू एच मान रखी है आपने। 20 कॉमन लिया तो √3 - 1 आ गया एच। इसका मतलब 20√3 - 1 मीटर किसकी वैल्यू आ गई, एच की। और यही क्वेश्चन में आपसे इसने पूछा था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है एक स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। कहता है कि एक स्टैचू है वो कि क्या है, 1.6 मीटर का है। तो ये मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास एक स्टैचू हो गया, ठीक है, कितना हो गया ये 1.6 मीटर का एक स्टैचू हो गया। उसके बाद क्या कहता है, स्टैंड ऑन है टॉप ऑफ ए पेंस्टल। तो कहता है ये मैंने मान लिया कि कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये पेंस्टल के टॉप पे खड़ा हुआ है। ये मेरे पास पेंस्टल हो गया ए से बी, और ये जो मेरे पास स्टैचू है वो क्या हो गया, बी से सी। कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई ये पॉइंट अपन ने डी क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 30 डिग्री। अब देखो स्टैचू का टॉप ये है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा जब ये इसको ऐसे देखेगा, ठीक है, और ये अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए, तो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। और दूसरे केस में क्या कहता है, दूसरे केस में कह रहा है ये एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेंस्टल, पेंस्टल का टॉप ये रहा, तो जब ये यहाँ से देख रहे हैं ना तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेंस्टल। आपसे इसने पूछ ली कि जो आपका पेंस्टल है उसकी हाइट क्या होगी। तो देखो अपने पास क्या क्या है, ए से बी तो क्या है, ए से बी ये तो है मेरे पास, ए से बी है, क्या थी मेरे पास, हाइट ऑफ किसकी, पेंस्टल, पेंस्टल की हाइट है, ठीक है। और बी से सी क्या थी, हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू। और ये मेरे पास जो एंगल है ए डी बी ये कितना है, 45 डिग्री, और जो मेरे पास एंगल है ए डी सी ये कितना है मेरे पास, 60 डिग्री। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वाली हाइट चाहिए कि ये वाली हाइट क्या होगी। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैंने इतनी हाइट का नाम एच मीटर रख लिया, तो ये मेरे पास हाइट कितनी हो गई, एच मीटर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया कि मैंने, ये मेरे पास एच मीटर हो गई, तो मैं क्या करता हूँ, इतनी इतनी ट्रायंगल को अपन क्या करेंगे, ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं चला गया इतनी वाली ट्रायंगल के अंदर, तो मैं गया इन ट्रायंगल, इसका नाम है ए डी बी। मैंने क्या किया, ए बी को ऊपर रखा, ए डी नीचे। ए बी देखो किसका काम कर रहा है, ए बी काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, और ये काम कर रहा है बेस का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, ठीक है। और एंगल कितना आपके पास, 45 डिग्री हो गए, ये हो गया आपके पास 10 45, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक क्या है वो मेरे पास H, ये तो थी मेरे पास H। ए डी मैं फाइंड आउट करवा रहा था, और 10 45 कितना होता है, 1, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 80, मतलब 80 भी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये भी मेरे पास आ गया कितना, 1। अब देखो अगर ये भी मेरे पास 1 आया है तो इसका मतलब अब मैं इतनी इतनी ट्रायंगल को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ले लेता हूँ कौन सी वाली ट्रायंगल को, ट्रायंगल ADC। अब मैं चलता हूँ इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में अपन क्या ले लेते हैं, AC/AD। अब वही परपेंडिकुलर बेस क्या बन गया, 10, और एंगल कितना गिवन था, 60 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये एंगल 60 डिग्री था, ठीक है, इसका मतलब AC को मैं क्या लिख सकता था, उस फिगर में AC का नाम है AB+BC, और ये तुमने H निकाला है, और 10 60 कितना होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB+BC इसकी वैल्यू √3 × H आ गई, ठीक है। इसके अंदर ए बी अपने पास H था, ये था 1.6 √3 × H, प्लस का H इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया। अब सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो गया, 1.6 √3 H - H, 1.6 √3 मैंने ले लिया, सॉरी
इन दोनों में मैंने क्या ले लिया, एच कॉमन ले लिया, तो ये बच गया रूट थ्री माइनस वन। और ये देखो मेरी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, तो रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू एच आ गया मेरे पास। और मैं थ्री माइनस वन, ये मेरे पास एच की वैल्यू आ गई। इसको मैं और सोल्व आउट करूँ तो रेशलाइजेशन करवा सकता हूँ, रेशलाइजेशन करवाऊंगा तो रूट थ्री माइनस वन है तो प्लस वाले वन से डिवाइड और उसी से ही डिवाइड इज इक्वल टू एच। और सोल्व करेंगे 1.6 रूट थ्री माइनस वन। देखो ये क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगेगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया मेरे पास एच। और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.6 रूट थ्री क्या है अपने पास, प्लस एच अपोन थ्री माइनस वन, और ये टू हो गया, तो इसका मतलब 1.6 रूट थ्री प्लस वन प्लस अपोन में टू। और इसको सोल्व आउट करूँगा तो इससे कैंसिल, 0.8 रूट थ्री प्लस वन अपोन में टू अपोन में, ठीक है, मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0.8 रूट थ्री प्लस का वन, जो कि मेरे पास आंसर हो गया क्या पूछा था इसने हाइट ऑफ पेंस्टल के बारे में। चलते अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कहता है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग और एक है मेरे पास टावर। तो मैंने ए से बी तो क्या मान लिया कि ए से बी तो क्या है मेरे पास, बिल्डिंग है जो कि कितनी है 50 मीटर, ठीक है। और सी से डी मैंने क्या मान लिया, ये मेरे पास टावर है सी से डी जिसकी हाइट है एच मीटर, ठीक है। तो क्या क्या हो गया अपने पास, ए बी तो हो गई हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि है 50 मीटर, और जो मेरे पास क्या है सी से डी वो क्या है हाइट ऑफ देखो दो चीजें हो गई मेरे पास, क्या क्या आया, ए बी तो अपने पास आ गई हाइट किसकी, टावर की, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। और सी से डी क्या आ गई अपने पास, हाइट बिल्डिंग की, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ये कह रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 मीटर। देखो बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, और टावर का फुट ये रहा, इनसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, मतलब यहाँ से देखने पर जो अपना ये एंगल बनेगा कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का दिया हुआ है इसने, 30 डिग्री का। और दूसरा केस, दूसरे केस में क्या कहता है, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप ये रहा, बिल्डिंग का फुट ये रहा, और जब वो इसको देख रहा है तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो आपका एंगल बनता है 60 डिग्री का। कितने का है ये, 60 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछ ली, उसने आपसे पूछी हाइट बताओ बिल्डिंग की। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन इतनी इतनी ट्रायंगल को लेके चलेंगे। इस वाली ट्रायंगल में मेरे को क्या पता है कि ए बी पता है, मैं इसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। अपन चले गए इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर गया ए बी अपॉन ए सी। देखो ए बी किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर को, और ये बेस का क्या होता है टेन, ठीक है। और एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ए बी का मेरे को पता है कि ये 50 है, ए सी अपने को मालूम नहीं, और ये होता है रूट थ्री। और सोल आउट करेंगे, आया अपने पास आया था 50 अपॉन ए से सी इज इक्वल टू रूट थ्री, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू ए सी आएगा, ठीक है। और मेरे को ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 50 अपॉन रूट थ्री, जो कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मेरी आ गई है। अब देखो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, छोटी वाली ट्रायंगल को ले सकता हूँ, छोटी वाली का नाम है ए सी डी। तो इस बार चलते हैं, इस बार चलते अपन इन ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है कि मैं निकाल रहा हूँ सी डी,
अपोन में है गिवन एसी। अब देखो फिगर में जब आप देखोगे तो सीडी किसका काम कर रहा था, परपेंडिकुलर का और ये बेस का। परपेंडिकुलर अपोन बेस क्या होता है, टेन, लेकिन एंगल कितना था इस बार 30 डिग्री। सोल्व करेंगे, सीडी अपने को मालूम नहीं, ठीक है, एसी मालूम है, उसका बाद में यूज कर लेते हैं। ये एसी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर है इतना? तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ √3 CD इज इक्वल टू AC। और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, CD की, गिवन किसकी है मेरे को, AC की। तो AC की जगह मैंने लगाया 50√3। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये यहाँ पे जाएगा √3 √3 ओनली 3 CD। और इसको और आपने सोल्व किया, क्या हो गया ये 3 CD इज इक्वल टू 50। और CD की वैल्यू निकालेंगे तो 50/3 मीटर। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, बाकी इतना छोड़ने पर अपने ये फाइनल आंसर हो गए। कहता है कि 10th क्वेश्चन कहता है कि 2 पोल ऑफ द इक्वल हाइट, कहता है कि 2 पोल अपने पास इक्वल हाइट के हैं, ठीक है, तो 2 पोल में अपने पास इक्वल हाइट के, 2 पोल में अपने पास क्या कर लेता हूँ, इक्वल हाइट के 2 पोल ले लेता हूँ। एक का नाम तो मैंने ले लिया AB और एक पोल मैंने ले लिया CD, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू CD, क्या आ गई हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ। उसके बाद देखो क्या है? कहता है स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट ईच अदर साइड ऑफ द रोड विच आर द 80 मीटर वाइड। तो कहता है कि एक रोड पे साइड पे खड़े हुए हैं जो कि इनसे कितना है, जो कि इनसे 80 मीटर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है तुम्हारे पास, 80 मीटर है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन टू ऑन द रोड, कहता है रोड पे कोई एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है एम, ठीक है। ये जो एम पॉइंट है, यहाँ से क्या कहता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितने कितने डिग्री का है, 60 और 30 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछी है इसने, कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट बतानी है पोल की। दूसरा आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछे इस पॉइंट से। तो देखो कैसे निकालोगे, जो ये पॉइंट आपने एम कंसिडर किया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने एक्स रख ली, टोटल ये 80 है, तो इतनी इतनी कितनी बचेगी, 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या क्या बचा अपने पास, नाउ अपने पास बचा, नाउ क्या आया कि जो मेरा ए से लेके एम है वो तो मैंने कितना मान लिया एक्स, और जो मेरा सी से लेके एम है वो कितना आएगा, 80 माइनस एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इतनी इतनी ट्रायंगल लेके और इस पोल की हाइट निकाल लेता हूँ, ठीक। तो मैं चला गया क्या, मैं चला गया इतनी इतनी ट्रायंगल के पास, तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है AB और M। एम पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो ये है ना, ये इसका नाम ही एम पॉइंट है। इस वाली ट्रायंगल में अपन गए तो मेरे को क्या है, AB/AM। AB परपेंडिकुलर है और ये है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और एंगल कितना डिग्री आपके पास, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री। अगर एंगल आपके पास 60 आ गया तो मैं इसको कैसे सोल्व आउट कर सकता हूँ, मैं इसको सोल्व आउट कर सकता हूँ। देखो AB मेरे को मालूम नहीं, ये एक्स है और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से मेरी जो AB है वो कितनी आ गई, √3 × x। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, AB की। ऐसे ही इस बार मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही मैं इस बार इतनी वाली ट्रायंगल को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं चला गया ट्रायंगल किसके बाद, DCM के पास, इन ट्रायंगल DCM। देखो ट्रायंगल DCM में लेंगे तो मेरे को क्या निकालना था, CD अपोन में CM, वही परपेंडिकुलर वही बेस, क्या बनेगा 10, लेकिन एंगल आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। CD ये वैल्यू आपके पास थी 80 माइनस एक्स, और ये होता है 1/√3। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो √3 × CD इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ से CD की वैल्यू निकालूँ तो 80 माइनस एक्स/√3 ये आ गई सेकंड। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोल रखा था कि जो ये हाइट है ना दोनों, ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब आपको कह रखा था कि भाई AB बराबर कितनी है CD। AB आपने कितनी निकाली, AB आपने अभी निकाला था, AB वैल्यू आई थी मेरे पास x√3। तो AB की जगह तो मैं क्या रख सकता हूँ, AB की जगह मैं रख सकता हूँ x√3x, चलो, और ये आ गया 80 माइनस x/√3।
इसके नीचे वन मान के अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो रूट थ्री की रूट थ्री से करूंगा तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 3x माइनस का एक्स इधर आके प्लस का 80, ठीक है। 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा x जो कि कितना आ गया 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब देखो x 20 आ गया, जिसका मतलब x आपने क्या मानना था, देखो x 20 आ गया, इसका मतलब आपने ये जो डिस्टेंस थी इसका नाम x माना था, ये कितनी है a से m कितनी आ गई, a से m आपके पास आ गई 20, और जो आपके पास क्या है c से m ये कितनी आएगी, c से m आ जाएगी 80 माइनस 20 कितना बच गया 60। एक चीज़ तो ये पूछी थी, दूसरी उसने आपसे हाइट पूछी थी, हाइट कैसे निकालेंगे, ए बी के पास इक्वेशन फर्स्ट में लगाऊंगा वैल्यू तो ये वाली हाइट किसके बराबर आ जाएगी, ए बी, ए बी आ जाएगी, एक्स की जगह लिखा मैंने कितना 20 और वो था रूट थ्री, तो यही हिसाब से क्वेश्चन में पूछा था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन कह रहा है अपने को, कहता है कि ए टीवी टावर स्टैंड ऑन द वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल, कहता है कि एक टीवी टावर है ना, एक नहर के किनारे खड़ा हुआ है, तो ये मैंने लगा दिया एक टीवी टावर जिसका नाम क्या है ए से बी, हाइट कितनी हो गई एच, तो मैंने क्या कह दिया ए बी क्या आ गई हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट का नाम मैंने एच रखा। कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द बैंक इज डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के अपोजिट कोई पॉइंट है सी, आगे क्या कहता है द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टावर इज 60 डिग्री, कि यहाँ से यहाँ तक ये अगर देखेगा तो ये एंगल कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री का बनता है। उसके बाद कहता है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, कहता है इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर यहाँ पे मैंने डी पॉइंट मान लिया, ये इससे कितने मीटर दूर है 20 मीटर, कहता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, ये कितना है आपके पास 30 डिग्री है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ, ये मैं क्या मान लेता हूँ एक्स मीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछ ली इसने, हाइट ऑफ टावर बताओ और विड्थ ऑफ कैनल बताओ, तो देखो क्या हो गया सी ए तो आपके पास कितना आ गया एक्स, और सी से डी कितना आ गया 20 मीटर, यही बात है ठीक है। और एंगल ए सी बी ये तो है 60 डिग्री, और एंगल ए डी बी ये है 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर, तो सबसे पहले मैं कौन सी ट्रायंगल लूंगा ए बी सी, तो मैं चला गया इन ट्रायंगल ए बी सी के पास, इन ट्रायंगल ए बी सी अपन क्या ले लेते हैं ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, कितना डिग्री है 60 डिग्री है। इसको और सिंपलीफाई करेंगे, ए बी अपने को मालूम नहीं, ए सी अपन ने एक्स माना था और ये होता है रूट थ्री, तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू आ गई एक्स रूट थ्री, जो कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को देखेंगे, तो अब की इस बार मैं चल लेता हूँ ट्रायंगल ए बी डी में, कौन से ट्रायंगल में चल रहे हैं ए बी डी में, देखो इसके अंदर अगर मैं ए डी की बात करूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए सी प्लस सी डी, और ए सी एक्स और ये कितना है 20, तो इसी का ही अपन यूज कर लेंगे, तो इस बार चले गए ट्रेंगल ए बी डी में, तो अपन चले गए ट्रेंगल, इस बार चले गए इन ट्रेंगल ए बी डी में, इसके अंदर ए बी अपोन में ए बी अपोन में ए डी, ए बी की वैल्यू तो मेरे पास परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया 10, लेकिन इस बार कितना था 30 डिग्री। देखो अभी अपन ने मैंने आपको बताया था कि ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 प्लस x और इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए पी की वैल्यू आ गई 20 प्लस x/√3, ये आ गया सेकंड। देखो दोनों इक्वेशन में क्या कह सकते हो कि ए बी और ये बी ए बी, अगर ये बराबर है तो ये भी क्या होगा बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी से एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू 20 प्लस x/√3, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ठीक है, मैं क्या करवाऊँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, और यहाँ से 2x की वैल्यू 20, x कितना आ गया 10, इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अपने पास 10 मीटर आ गई, और ये कितनी थी 20 मीटर, तो सबसे पहले तो इसने
वेड्थ पूछी थी ए से डी कितनी आ गई, 10 + 20 कितनी आ गई, 30 मीटर। एक चीज सोल्व, दूसरी इसने पूछी थी हाइट ऑफ पोल। अभी आपने निकाला था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए बी है √3 × x, √3 x कितना निकाल लिया तुमने, 10, तो ये कितनी आ गई, 10√3 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर, तो इसका मतलब ये मैंने एक बिल्डिंग बना ली। ठीक है, ये मेरे पास मैंने क्या किया, इसका मतलब मैंने क्या बना ली, बिल्डिंग बना ली। ये यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बिल्डिंग बना ली ए से लेके बी, जो कि कितनी हाइट की है, 7 मीटर हाइट की। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब देखो एक केबल टावर भी है, कहीं ना कहीं तो होगा वो केबल टावर, तो मैंने ये मान लिया क्या है मेरे पास, जो ये मेरे पास है ना, मैं ये मान लिया जो ये मेरे पास है ना ई से लेके डी, ये क्या है मेरे पास, टावर है। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, ए से बी तो मैंने मानना था हाइट ऑफ, किसकी हाइट है, बिल्डिंग की, ठीक है, 7 मीटर, और डी से टी क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, और जब ये इसके टॉप को देखता है, किसके टॉप के, टावर के टॉप को, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये बनता है 60 डिग्री। चलो उसके बाद क्या कहता है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट। अब देखो फुट क्या है कि ये अपन इसको इससे देखेंगे, तो जो ये एंगल बनेगा कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वाला, ये कितना है, 45 डिग्री। और आपने एक चीज ये पढ़ी है, तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और जो ये BC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर बताओ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अगर ये मेरे पास 7 मीटर है, तो ये भी मेरे पास कितना होगा, 7 मीटर, और जो ये बच गया यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, h मीटर। तो इसी बेस पे अपन क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कि मेरे को ये वाली वैल्यू पता है 7 मीटर है, तो मैं इतनी इतनी ट्रायंगल को ले लेता हूँ जिसका नाम क्या है, ABC। तो चलते हैं अपन ट्रायंगल ABC में, सबसे पहले चलते हैं अपन ट्रायंगल ABC में। तो इन ट्रायंगल ABC में चलूंगा, तो मेरे पास AB गिवन है, और AC मैं नीचे लिख लेता हूँ। देखो AB किसका काम कर रहा है मेरे पास, ये AB काम कर रहा है किसका, परपेंडिकुलर का, और ये काम कर रहा है बेस का, क्या होता है, 10, और एंगल की वैल्यू आपके पास है 45। इसको और सोल्व आउट करोगे तो ये 7 है, AC आपको मालूम नहीं, और ये होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास AC कितना आ गया, 7 आ गया। अगर ये AC 7 है, तो ये जो B से लेके इस पॉइंट का नाम मैं E दे देता हूँ, B से E होगा, ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो मैं क्या कह सकता हूँ, BE भी कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, दोनों चीज़ें आ गई। अब देखो क्या करते हैं, अब अपन करते हैं कि जो ये मेरे पास ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है जो आपको फिगर में दिख रही है, ये वाली ट्रायंगल, तो मैं इसी वाली ट्रायंगल को ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ इस बार इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इसका नाम क्या हो गया, BED में चलते हैं कि ट्रायंगल BED में, तो देखो क्या ले लेता हूँ मैं, DE / EB। DE काम करपेंडिकुलर का कर रही है, ये बेस का क्या बन गया, 10, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरे पास H है, ठीक, ये मेरी EB कितनी आई थी, 7, इज इक्वल टू, और ये जो है ये कितना होता है, √3। इसका मतलब जो मेरे पास ये जो H की वैल्यू आई है, कौन सी, इस वाले H की, कितनी आ गई, ये H आ गया आपके पास 7√3। H की वैल्यू आ गई कितनी, 7√3। अब देखो आप फिगर में आप देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू आपने निकाल ली 7√3, और ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी थी, ये आपके पास 7 थी। तो टोटल हाइट कितनी आ गई इस टावर की, इसका मतलब हाइट, टावर का नाम है CCD, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, C से लेके D, किस किस से मिलके बनेगा भाई, CD मेरा मिलके बनेगा किस किस से, C से लेके E और E से लेके D, तो मैं लिख सकता हूँ C से लेके E और E से लेके D। अब मेरे को ये पता है ये 7 है, और ये था 7√3, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा कम्प्लीटली, तो मेरे आंसर क्या आ गए, मेरे आंसर आ गए 7 common 1 + √3 मीटर, जो कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा था कि ये टावर की हाइट आपको बतानी है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, कहता है कि
ए ऑब्जर्वर फ्रॉम टू द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। तो इस बार अपने पास एक लाइट हाउस दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है 75। तो ये मैंने एक लाइट हाउस बना लिया जिसकी ए से लेके बी कितना है, ये है भाई आपसे पास 75 मीटर का। ठीक है, तो 75 मीटर का ये मैंने एक लाइट हाउस बना लिया। तो ए से बी मेरे पास क्या हो गई, हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो भाई ये लाइट हाउस है ना इसकी हाइट का नाम है ए बी। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कितनी है ये 75 मीटर। देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, कहता है फ्रॉम टू द सी लेवल एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द टू शिप। अब आपके पास यहाँ पे दो शिप है, एक का नाम मैं सी रख लेता हूँ और एक शिप का नाम रख लेता हूँ डी रख लेता हूँ। अब देखो जो बात ये एंगल ऑफ डेप्रेशन की कर रहा है, तो डेप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब मैं ऊपर से इसको ऑब्जर्व करूंगा, तो मैंने ये ऐसे बना लिया। और जो एंगल ऑफ डेप्रेशन ऊपर की तरफ बनेगा तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने को डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कहता है जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो कितना है 30 to 45। तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है ये कितने डिग्री का है भाई, ये एंगल आपका 30 का है, और अगर ये 30 का है तो ये भी कैसा होगा 30 डिग्री का। ऐसे ही जो ये वाला एंगल है ये कंप्लीट ये कितने का है 45 का, अगर ये 45 है तो ये भी आपका कितना होगा 45 का। तो आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच के डिस्टेंस का नाम क्या हो गया डीसी। तो डीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस, और ये ही आपसे इसने क्या करवा रहा है फाइंड आउट। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आप चलोगे इतने इतने ट्रायंगल के अंदर, तो अपन चलते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी, अपन चले गए ट्रायंगल ए बी सी के पास। ए बी सी में जाएंगे तो देखो ए बी अपोन क्या आ गया ए सी, ए बी देखो किसका काम कर रहा है परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या बन गया 10 है कितना 45। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी की वैल्यू 75, एस सी मालूम नहीं और ये होता है 1, तो यहाँ से मेरे को एस सी की वैल्यू आ गई कितनी है 75 मीटर। यहाँ तक आपका क्लियर है, क्लियर है। तो देखो इस बार अपन चलते हैं इस कंप्लीट ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, तो इस बार मैं चला गया जो ये मेरे पास बड़ी वाली ट्रायंगल है, फिगर में आपको दिख रही होगी ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसके ऊपर। तो इस बार चलेंगे अपन इन ट्रायंगल, बड़ी वाली का नाम क्या है ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में चले गए। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो क्या लेंगे ए बी अपॉन ए डी, क्या आएगा अपने पास ए बी अपॉन ए डी, ये वही परपेंडिकुलर और ये बेस क्या बन गया 10, लेकिन इस बार कितना है 30 डिग्री। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो आपके पास 75 है, ए डी आपको मालूम नहीं और ये होता है 1/√3। सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करूंगा तो एडी की वैल्यू मेरे पास आ गई 75√3, ये मेरे पास आ गई सेकंड। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे को ये पता चल गया कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है ये 75√3 आ गई, मेरे को ये चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इतनी इतनी वाली वैल्यू को, जो ये मेरे पास इतनी इतनी वैल्यू है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई जो मेरा ए से डी है किस किस से मिलके बना है, ए से सी प्लस सी से डी, लिख सकते हैं ये बात, और ये बात लिख सकते हो। तो आपने ये निकाला था 75√3 इज इक्वल टू एस सी मेरे को कितना निकाला था मैंने 75, और ये सी डी मैं निकाल रहा हूँ। अब देखो प्लस का 75 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू सी डी, और 75 अगर मैंने कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 किसकी वैल्यू आ गई सी डी, और सी डी अपनी क्या थी दोनों शिप के बीच की दूरी जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए स्टेट हाईवे लीडिंग ऑन ए फुट ऑफ द टावर, कहता है कि एक जो स्टेट हाईवे ना उसके लीडिंग पे एक टावर लगा हुआ है। तो ये मैंने ए से भी क्या मान ली, ए से भी मैंने मान ली हाइट ऑफ टावर, ए से भी मेरे पास क्या हो गई टावर की हाइट, हाइट ऑफ टावर, भाई ये टावर है ना उसकी हाइट का नाम है ए से भी। अब क्या कहता है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है इस टावर के ऊपर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कहता है ऑब्जर्व ए कार देन द एंगल ऑफ डेप्रेशन इज 30 डिग्री, ये क्या पे यहाँ पे कार ऑब्जर्व कर रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम डी है। ठीक है, और जब ये इसको देख रहा है तो ये इसकी ओरिजेंटल लाइन हो गई, तो डेप्रेशन बन रहा है। डेप्रेशन का मतलब क्या होगा, जब ये ऊपर से इसको देखेगा तो मैं यहाँ से ओरिजेंटल लाइन डाल दूँ, ये मेरे पास ओरिजेंटल लाइन हो गई, और ये कितने डिग्री का एंगल दे रखा है इसने, ये इसने दे रखा है 30 डिग्री एंगल।
ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द कार इज 60 डिग्री। अब कहता है 6 सेकेंड के बाद, मान लो ये कार सी से इस पॉइंट पे आ गई, डी से किस पॉइंट पे आ गई, सी से, और जो भी ये एंगल ऑफ डेप्रेशन बनता है, ये जो कंप्लीट एंगल ऑफ डेप्रेशन बनता है कितने 6 डिग्री का बनता है, ये 60 डिग्री का। अगर ये 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने का इसको टाइम कितना लगा है, 6 सेकेंड का, ठीक है, उसको 6 सेकेंड का टाइम लगा है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे वो टाइम पूछा है जब ये जो क्या है कार इसके फुट तक चली जाए, टावर के फुट तक। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो अपन एंगल डिफाइन कर देते हैं। एंगल अपने पास कौन सा आया, ए, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी तो मेरे पास 60 डिग्री है, और दूसरा है मेरे पास एंगल ए डी बी, ये कितना डिग्री है, ये मेरे पास है 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं पहले इतना इतना ट्रायंगल ले लेता हूँ, इतना इतना ट्रायंगल ले लेता हूँ, और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जो हाइट है इसको मैं कितना मान लेता हूँ, एच, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये हाइट मेरे पास एच हो गई, और इसे यहाँ तक का टाइम है उसको मैं कितना मान लेता हूँ, एक्स सेकेंड। तो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में चला गया, ए बी सी, ए बी सी में गया, तो ए बी अपोन ए सी, ए बी परपेंडिकुलर ये है बेस, क्या 10, ठीक है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब देखो इसको अपन सोल आउट करेंगे, ये हो गया 10 60, तो इसको देखो अपन जब सोल आउट करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए बी की वैल्यू मेरे पास एच है, ए सी तुमने एक्स माना है, और ये होता है √3, फर्स्ट इक्वेशन। और इसको सिंप्लीफाई किया तो एच जो हाइट है वो कितनी आ गई, √3 × x, ये मेरे पास फर्स्ट बन गया। ऐसे ही इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, ए डी बी। तो मैं इस बार चला गया इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल में जाऊंगा, तो देखो ए डी बी ट्रायंगल में अपन गए तो क्या हो जाएगा, जो ए बी डी ट्रायंगल है इसके अंदर अपन चलेंगे, ए बी डी ट्रायंगल में हो गया ए बी अपोन में ए डी, ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस, ठीक है। अब ये तो मेरे पास एच है, अब मैं ए डी को ऐसा लिख सकता था, ए सी प्लस सी डी, ठीक है, और ये कितना हो गया मेरे पास 10, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया 10 30, ठीक है। ये तो एच है, इसकी वैल्यू अपने को मालूम है एक्स है, और ये कितना दे रखा था 6, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो मेरे पास एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x+6/√3, ये मेरे पास आ गई सेकेंड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, पहली और दूसरी, तो मैं कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन, मैं इक्वेशन पहली और दूसरी से क्या कह सकता हूँ कि पहली बार तो आया था √3 × x, ये h की वैल्यू आई थी, और ये x+6/√3, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहली और दूसरी इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि √3 × x जो फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू आई थी वो इसके इक्वल होगी। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3x = x+6 हो गया, और ये प्लस का एक्स इधर आके किसका होगा, माइनस का, −x = 6। तो अपने पास कितना बचा, अपने पास बचा 2x = 6, और सोल्व करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो जो कार है उसको कितना टाइम लगेगा कहाँ तक पहुँचने पर, फुट ऑफ टावर तक, तो कितना लगेगा, 3 सेकेंड, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल गर्ल्स स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द वाइंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द बलून ऑफ द आइज ऑफ द गर्ल्स इंस्टेंस 60 डिग्री, आफ्टर द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस बाई 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं फिगर से आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। तो देखो इसका फिगर अपन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का अपन फिगर देखते हैं, तो देखो क्या कहता है, के अकॉर्डिंग अपन देखो क्या कहते हैं कि सबसे पहले उसने कहा था कि जो लड़की है ना वो कितनी है, 1.6 मीटर टॉल लड़की है, ठीक है। तो ये लड़की जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम मान लेता हूँ मैं पी, कि ये मेरे पास पॉइंट पी है। तो सी से पी है हाइट ऑफ गर्ल्स कितनी है, 1.2 मीटर की। उतना ही अगर मैं इस बी से इस पॉइंट का नाम एम मान लूँ तो बी से एम भी होगा, और उतना ही अगर मैं इस ई से इसका नाम एफ मान लूँ तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद क्या कहा कि ये क्या कर रही है, एक बलून को ऑब्जर्व कर रही है। देखो ये लड़की यहाँ से बलून को ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, ये कहता है ये 60 डिग्री का बनता है,
क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ये बलून है ना भाई, उड़ता उड़ता यहाँ पे चला गया ए से लेके डी के ऊपर। तो कहता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना वो कितने डिग्री का बनता है भाई, वो बनता है 30 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ लिया उसने कि आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है कि भाई इस बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो ये मेरा एफ से लेके डी तक है, ये हाइट कितनी है 88.2, ठीक है। एफ से लेके डी की वैल्यू है 88.2, ठीक। और ये एफ से लेके डी किस किस से मिलके बना है, ये एफ से लेके डी मिलके बना है एफ से लेके ई प्लस ई से लेके डी, कितनी आ गई 88.2, जिसके अंदर से जो ये मेरा ई एफ है ये कितना है, ये ई एफ है मेरे पास 1.2। तो 1.2 प्लस प्लस ई डी किसके इक्वल आ जाएगी 88.2 के। और अगर मैं खाली ई डी निकालना चाहूँ तो 88.2 माइनस 1.2, ई डी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ गई 87। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 87 मीटर। अब आपको देखो क्या करना है, पहले आप इतना इतना ट्रायंगल लेके चलो। तो मैं इतने इतने ट्रायंगल का नाम लिया, तो मैं चला गया, इतनी इतनी ट्रायंगल का नाम क्या है, इतनी ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ई डी या सी डी। इसके अंदर देखो ई डी मेरे को मालूम है अपोन में ई सी, ई सी क्या हो गया परपेंडिकुलर अपोन बेस क्या होगा 10, और कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये है मेरे पास 87, ई डी मेरे को मालूम, ई सी मेरे को मालूम नहीं, और ये होता है 1/√3। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ई से सी की वैल्यू आ गई 87√3 आ गई मेरे पास। अब मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो इस बार चला गया इन ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए के पास, इस बार भी ए बी अपोन क्या आ गया मेरे पास बी सी, परपेंडिकुलर अपोन बेस वही 10, कितना डिग्री है भाई 60 डिग्री है इस बार। अब देखो जो ए बी है, ए बी की वैल्यू तो आपके पास वही है, कितनी है ए बी की वैल्यू तो आपके पास 87 है, अपोन बी सी आप निकाल रहे हो और ये होता है √3। आप इसको सोल्व आउट करोगे तो 87 इज इक्वल टू √3 BC। अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, मैं यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बी सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 87/√3, ये पास मेरे पास आ गई सेकेंड। अब देखो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ कि अपने को कहाँ से कहाँ तक जाना था, अपने को ये वाली डिस्टेंस बता रही थी जो बलून ने कवर की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई नाउ जो मेरे पास सी से लेके ई होगा वो किस किस से बराबर होगा, ई से लेके बी प्लस बी से लेके सी। इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी किसकी, ई से सी, ई की ई से लेके सी तक की वैल्यू अपन ने निकाली थी, इससे कितना आया था अपना ई से लेके सी आया था अपना ये 87√3 इज इक्वल टू ई बी, ई से लेके बी अपने को मालूम करना है ई से बी एज इट इज, और ये अभी आपने निकाला है 87/√3। अब देखो क्या करोगे, अब आपको क्या है कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है, ठीक है, जो ये प्लस वाली वैल्यू इधर आके किसकी होगी माइनस की, तो 87√3 माइनस का 87/√3 इज इक्वल टू ई से लेके बी, ई से लेके बी। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, और सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा भाई 87 आपके पास कॉमन आ गया, √3 - 1/√3 ये वैल्यू किसकी आ गई ई से लेके बी। अब ई से बी की ये वैल्यू आ गई, तो देखो इसको आगे कैसे सोल्व करोगे, आगे सोल्व करोगे तो आपका 87 तो बाहर है ही, आपने √3 एलसीएम लिया तो √3 √3 ओनली 3 - 1 इज इक्वल टू ई से लेके बी, और 87 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया क्या बचा 87/√3 और ये बच गई ई से लेके बी। अब मैं रेशलाइजेशन करवा दूँ तो रेशलाइजेशन करवाऊँगा 87/√2 - √3 अपोन में √3 - √3 और सोल्व करूँगा 87/√2 - √3 और अपोन में आ गया 3। सोल्व करो 3 2 6 3 3 3 3 9 27, 3 से सोल्व करेंगे 3 2 6 बचा 2 3 9 27। अब सोल्व किया इसको तो ये कितना आ गया 58। अब देखो इसको सोल्व आउट करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे
ये आ गया 58 रूट थ्री। इतना मीटर का क्या किया था, बलून ने डिस्टेंस कवर किया था।